खाना है तो दिल्ली वाले तो दिल्ली वाले क्या दिखाओ। अच्छा बना दिया क्या इतनी जल्दी? तो गाइस बहुत ही शानदार लगा मैम। तो गाइस ये वाली ब्लॉग दिल्ली से स्टार्ट हो रही है, दिल्ली के फेमस वड़ा पाव से स्टार्ट हो रही है। ये चेक करो गाइस, ये रही वो सामने दीदी, अभी दिखाते हैं बात कराते हैं। बाकी भीड़ देख रहा अभी कितनी भयंकर भीड़ है, ब्लॉगर ब्लॉगर बहुत सारे हैं, तो अभी चलते हैं और दी से बात कराते हैं आपकी बहुत ही शाम। ये चेक करो थोड़ा डाइवर्ट किया मैंने। हां सच में वो दिख ही रहा है, डाइवर्ट हो चुके हैं। हाँ जी मैडम। हाँ जी अंकल नमस्कार। बढ़िया 2.50 वाले दे दो, बढ़िया कर रहे हैं। खाने अंकल ठीक है, बढ़िया देती हूँ। और वो मिठी चटनी जरूर दे देना सॉस, वो मीठा वाला नहीं रखती ना अंकल, आपको पता तो है। रखे रखे रहते हैं ऊपर, मेरे को पता है। वहाँ कैचे फटा दिया मैंने। आपने वही से निकाल के दिया? हाँ वो चीज बोल अभी नहीं रखी ना, चीज बोल के साथ रखती थी, अभी अभी हटाया है। जैसे चीज बोल आएगा वैसे वो मीठा वाला चटनी आ जाएगा। वेव आपने शुरू की और आज देखो जो ये लेन बिल्कुल सूनी रहती थी, अब वो बिल्कुल ऐसे हो गई है कि वड़ा पाव स्ट्रीट का नाम लोग कह रहे हैं। प्रपोज कर दो इस स्ट्रीट का, बिल्कुल कर देना चाहिए। और उसके नाम का क्या नाम, उसके आगे क्या लिखा जाए? फाउंडेड बाय चंद्रा गेरा दीक्षित। इतना बड़ा नहीं, महाकाल बाबा का जरूर कर सकते हैं, मेहनती लोगों का कर सकते हैं। पता है सर प्राउड फील कब होता है? जब सब लोग कुछ ना कुछ कमा के जाते हैं ना, थोड़ी थोड़ी भी सबके पास होती, अच्छा लगता है। ये रही वो वड़ा पाव वाली फेम मैम दी, एक मेले बना दो वड़ा पाव आपके लिए। अजमेर से दुआ मांग के तो आए आपके लिए, आपको बहुत ढूंढा लेकिन बहुत बहुत मुश्किल से मिला आप। नहीं वड़ा पाव तो मिलेगा, तो अच्छा सा बना दो हमारे अजमेर वालों के लिए। अच्छा बना दिया क्या इतनी जल्दी? बना दिया, फास्ट सर्विस आपकी। तो गाइस ये चेक करो वड़ा पाव आ गया है, अब इसको खा के देखते हैं एक बार। तो गाइस ये कमलेश जी ट्राई कर रहे हैं, कैसा वड़ा पाव कमलेश जी? ट्राई करके देखते हैं कैसा लगना, अच्छा लगेगा ना? बिल्कुल फुल टू फास्ट लेट्स टेक अ ट्राई। थोड़ा मैं खिलाऊं अल्टीमेट गाइस, यहाँ के थोड़े हटता है। बाकी भीड़ देख रहे आप कितनी भीड़ हो रही है, शाम की भीड़ है ये। हम थोड़ा लेट होगा आते आते, लेकिन कोई नहीं, मैम मिल गई, इनसे बात करते हैं, एक दो फोटो लेंगे मैम की अच्छी अच्छी मुंबई का मशहूर वड़ा पाव। तो गाइस मैम का वड़ा पाव खाया, बहुत अच्छा लगा, मैम भी अच्छी लगी, मैम का मैसेज भी अच्छा है। वड़ा पाव तो अल्टीमेट है, आप आओ विजिट करो। मैम एड्रेस बताओ क्या? भाई हम तो अजमेर से खाना है, तो आप तो दिल्ली वाले हो, तो दिल्ली वाले प्यार दिखाओ अपना। बहुत ही शानदार लगा मैम का वड़ा पाव खाया, बच्चा था। ऐसा नहीं गाइस कि मैम के वड़ा पाव से सिर्फ मैम को ही फ़ायदा हो रहा है या मैम फेमस हो रही है, यहाँ का पूरा मार्केट फेमस हो चुका है। देखो सारी स्टॉलों पे भीड़ लग चुकी है, फुल पैसा छाप रहे लोग। ये देखो भीड़ कितनी भयंकर लग चुकी है, देखो आप। तो ऐसा नहीं है कि मैम ही फेमस हुई है, मैम ने ही नाम कमाया, ये सब फास्ट फूड वाले नाम कमा के बैठे हैं। तो आगे तक भीड़ लगती है, तो आप भी आओ, अरे वड़ा पाव ट्राई। तो गाइस हम आए थे, हमने खाया वड़ा पाव, बहुत अच्छा वड़ा पाव है, मैम का नेचर भी अच्छा है। तो आप भी आओ विजिट करो, अगर आप दिल्ली से हो तो आपको एड्रेस पता होगा, नहीं हो तो डिस्क में एड्रेस डाल दूंगा, जरूर आओ विजिट करो, बहुत ही शानदार वड़ा पाव था। तो आज के लिए इतना ही, इस ब्लॉग का एंड करते हैं। आई होप वीडियो चलेगी, वीडियो चले तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इंस्टा स्क्रीन पर भी फॉलो करना, क्योंकि जो वीडियो होती है वो आती है इंस्टा पर। तो ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।